जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आप सबको झांसी के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। साथ में आपको मैं इस वीडियो में झांसी के इलेक्ट्रिक लोको शेड और डीजल लोको शेड को भी दिखाने वाला हूँ और उनके बारे में भी कुछ चीज़ें हम लोग जानेंगे। फिलहाल मैं यात्रा कर रहा हूँ ट्रेन नंबर 12002 नई दिल्ली हबीबगंज शताब्दी एक्सप्रेस में, जिसका नई दिल्ली से डिपार्चर होता है सुबह 6 बजे और झांसी ट्रेन सुबह 10:40 AM पहुँच जाती है। और हम लोगों ने 4 घंटे 40 मिनट में लगभग 410 किलोमीटर को तय किया है। वैसे जो हमारी हबीबगंज शताब्दी एक्सप्रेस है टोटल 703 किलोमीटर्स को 7 hours 55 minutes में कवर करती है, जिसमें आगरा तक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को भी छूती है। जल्दी आपको ये वीडियो चैनल में देखने को मिलेगा। और अपनी इस यात्रा के दौरान ट्रेन नई दिल्ली से चलने के बाद मथुरा जंक्शन, आगरा कैंट, धौलपुर जंक्शन, मुरैना, ग्वालियर जंक्शन, झांसी जंक्शन, ललितपुर जंक्शन, भोपाल जंक्शन और सीधा उसके बाद हबीबगंज जाकर के रुकती है। ये स्पेशल क्लिप झांसी जंक्शन से इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ट्रेन का जब इनॉग्रेशन हुआ था 1988 में, तो इसे नई दिल्ली से झांसी के बीच में ही चलाया गया था। समय के साथ ट्रेन को एक्सटेंड कर दिया गया था, लेकिन अपने शुरुआती दिनों में ट्रेन का इंट्रोडक्शन इसी रूट पर हुआ था। दोस्तों यह भारत की सबसे पहली शताब्दी ट्रेन है और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के 100वें बर्थडे के दिन यानी 100वें वर्षगांठ के दिन चलाया गया था, ताकि दो शहरों को, दो महत्वपूर्ण शहरों को तेज रफ्तार ऐसी ट्रेनों से जोड़ा जा सके जो सेम डे में वापस भी आ सकती हैं। यहीं से शुरुआत हुई थी शताब्दी ट्रेन्स की, जो आज भी इंडियन रेलवेज में बहुत नाम कमा रही हैं और जिनकी रफ्तार और सुविधाएं बहुत ही मशहूर हैं। दोस्तों ट्रेन का जब झांसी से डिपार्चर होता है तो अगर आप लोग राइट साइड आ जाएंगे तो आपको दोनों ही लोकोमोटिव के शेड्स देखने को मिलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक लोको शेड है जो शुरुआत में ही आ जाता है। 1987 में इस शेड का इनॉग्रेशन हुआ था और अगर मैं 2018 तक की बात करूं तो यहां पे 207 लोकोमोटिव यानी 207 लोकोमोटिव्स अवेलेबल थे, जिसमें से 117 लोकोमोटिव वैग 5 लोकोमोटिव थे यानी WAG 5 और 90 लोकोमोटिव WAG 7 लोकोमोटिव थे। साथ में 45 न्यूली बिल्ट WAG 7 एंड WAG 9 लोकोमोटिव थे। और यहां पे तो आप लोगों ने देखा ही कितने सारे लोकोमोटिव खड़े हैं, WAP 4 लोकोमोटिव, WAP 7 लोकोमोटिव और तरह तरह के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, जो कि यहाँ से शुरू होने वाली या यहाँ पे जिन ट्रेन में लोकोमोटिव चेंज होता है उन ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं ताकि इन लोकोमोटिव्स को चेंज किया जा सके और जो ट्रेनें डीजल लोकोमोटिव्स के साथ आएंगी उन्हें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के साथ आगे भेजा जा सके। जैसे ही ट्रेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड को पार करती है, हमें देखने को मिलता है झांसी का डीजल लोकोमोटिव्स का शेड। यहाँ पे अगर 2018 तक की बात की जाए तो टोटल 33 WDM 3A लोकोमोटिव थे, 35 WDG 3A लोकोमोटिव, WDM 3D यहाँ पे 29 थे, WDS 6 यानी शंटर लोकोमोटिव 13 थे, WDG 4 लोकोमोटिव 9 थे, WDG 4D लोकोमोटिव वो भी 9 थे और WDB 4D लोकोमोटिव 11 लोकोमोटिव यहाँ पे अवेलेबल थे 2018 तक रेलवे के डाटा के अनुसार। और आप सभी लोग पूछेंगे कि झांसी रेलवे स्टेशन को जंक्शन क्यों कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दिल्ली से मुंबई की ओर जाने वाली लाइन और उसी में दिल्ली चेन्नई लाइन, झांसी कानपुर लाइन, झांसी से इलाहाबाद की ओर लाइन, साथ में खजुराहो मानिकपुर वाली लाइन, ऐसी बहुत सारी रेल लाइंस यहाँ पे आकर मिलती हैं, जिसके कारण झांसी एक बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन बनता है। साथ में यहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत सारी ट्रेनें लगातार आती रहती हैं। 1880 में स्टेशन को शुरू किया गया था, 1986 में स्टेशन को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया था, तो एक बहुत ही खूबसूरत इतिहास रहा है झांसी जंक्शन का। तो अगर आप लोगों ने कभी स्टेशन से होकर के यात्रा की है, अगर कभी आप यहाँ से गुजरे हैं, तो अपने जर्नी एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ में अगर आप लोगों ने झांसी जंक्शन के फूड को ट्राई किया है तो अपने रिव्यू को कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो हमारे आने वाले व्यूअर्स इस रूट में स्टेशन के थ्रू यात्रा करने वाले हैं उनके लिए एक एक्सपीरियंस पहले से ही आपका अवेलेबल हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग कोई कमेंट या सुझाव देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आ सकते हैं, वहाँ लेटेस्ट फोटो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। द ट्रेन गुरु मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ में ज़रूर बताइएगा आपका जर्नी एक्सपीरियंस कैसा रहा है झांसी जंक्शन को लेकर के। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी आने वाली जर्नीज में, ट्रेन रिव्यूज़ में। तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।